भारत की कैसी महिला जासूस जो अपने करियर में 80,000 से ज्यादा केस सॉल्व कर चुकी है, और एक ऐसी बाइक जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए है, और संतरे बेचने वाला एक ऐसा शख्स जिसने अपने पैसों से एक स्कूल बनवाया है, और ये सांप अपने आप को ऐसे क्यों निगल रहा है, किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है, और एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर इंद्रधनुष के रंग मौजूद होते हैं, इंद्रधनुष की तरह दिखने वाला ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, और इस बूढ़ी औरत को क्यों लोग गूगल दादी कहकर बुलाते हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 10। दोस्तों, रजनी पंडित नाम की ये महिला भारत की पहली महिला जासूस है। उन्होंने अपने करियर में 80,000 से ज्यादा केस सॉल्व किए हैं। रजनी ने कॉलेज के दिनों से ही जासूसी करना शुरू कर दिया था। कॉलेज के बाद उन्होंने ऑफिस क्लर्क के रूप में जॉब शुरू की। वहाँ एक महिला के केस को सॉल्व करने के बाद रजनी ने जासूसी में ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। अपने जासूसी करियर में रजनी मुश्किल से मुश्किल केस को भी सॉल्व कर चुकी है। केस को सॉल्व करने के लिए रजनी किसी भी हद तक जा सकती है। एक बार एक बाप बेटे की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रजनी मारे गए शख्स के घर में 6 महीने तक नौकरानी का काम करती रही, और जब उन्हें कातिल का पता चल गया जो कि मारे गए शख्स की पत्नी ही थी, तब रजनी ने घर से निकलने के लिए अपना पैर काट लिया और बैंडेज कराने के बहाने घर से बाहर निकल गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में बताया और इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे जीव को देखा है जो खुद को ही खाता हो? आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में सच में ऐसा जीव पाया जाता है जो खुद को खाता है। खुद को खाने वाले ये जीव और कोई नहीं बल्कि सांप है। हालांकि वो ऐसा जानबूझकर ही अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं करते, बल्कि वो ऐसा तब करते हैं जब सांप के शरीर का तापमान हद से ज्यादा बढ़ जाता है। शारीरिक तापमान बढ़ जाने के कारण सांप अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मानसिक संतुलन खोने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि वो भूखा है और उसका अपना शरीर ही भोजन है। इस कंडीशन को पोयोकिलोथर्मिक के नाम से जाना जाता है। मानसिक संतुलन खोने के बाद सांप खुद को खाना शुरू कर देते हैं और फिर इस स्थिति में उसकी मौत हो जाती है। नंबर 8। नेमैन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर नाम की ये बाइक दुनिया की सबसे महंगी बाइक है। इस एक बाइक की कीमत इतनी ज्यादा है कि इतने पैसे में आप अपनी पूरी जिंदगी लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। इस बाइक की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए है। दुनिया की सबसे महंगी बाइक होने के साथ ही ये बाइक दुनिया की फास्टेस्ट बाइक भी है। इसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे है और कुछ सेकंड्स में ही ये बाइक इस स्पीड तक पहुंच सकती है। सिल्वर कलर के इस बाइक की बॉडी का निर्माण एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से किया गया। इसमें पावरफुल ट्विन सिलेंडर इंजन लगाए गए हैं। नंबर 7। दिखावे के इस दौर में प्यार भी एक दिखावा ही बन गया, लेकिन इस दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चे प्यार की एक मिसाल कायम रखते हैं। 18 साल की हिरल तनसुख नाम की इस लड़की की सगाई चिराग नाम के एक लड़के से हुई, लेकिन शादी से पहले ही हिरल बिजली के तार में संपर्क में आ गई। करंट लगने की वजह से डॉक्टर को हिरल के हाथ और पैर काटने पड़े। हिरल की ऐसी स्थिति के बावजूद चिराग ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या वो हाथ पैर खो चुकी है, हिरल से शादी करेगा, इस पर चिराग का जवाब था कि अगर ये हादसा शादी के बाद हुआ होता तो क्या मैं उसे छोड़ देता। हिरल जब तक हॉस्पिटल में रही, चिराग 24 घंटे उसके पास मौजूद रहा। इस दुनिया में चिराग की तरह सच्चा प्यार करने वाला इंसान चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। नंबर 6। जिस उम्र में लोगों की याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाती है और लोग छोटी छोटी चीजों को भूलने लग जाते हैं, उस उम्र में भी मिर्जापुर के रहने वाले एक महिला की याददाश्त इतनी तेज है कि उनके सामने अच्छे अच्छे नौजवान भी पानी मांगते नजर आते हैं। 65 साल की सीतापति पटेल पढ़ी लिखी नहीं है, इसके बावजूद उन्हें सैकड़ों हेल्पलाइन नंबर याद है। सीतापति पटेल विधायक, सांसद, अधिकारी, थाना, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत सैकड़ों हेल्पलाइन नंबर याद कर चुकी है। इतनी तेज याददाश्त की वजह से इन्हें आसपास के लोग गूगल दादी के नाम से जानते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गूगल दादी की तारीफ कर चुके हैं। गूगल दादी ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एक गीत भी लिखा। वैसे दोस्तों, आपको कितने नंबर याद हैं? नंबर 5। कर्नाटक के रहने वाले हारे काला हजब्बा नाम के इस शख्स ने अपनी जिंदगी भर की कमाई गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगा दी। संतरा बेचकर अपना गुजारा करने वाले हारे काला दिन भर में बमुश्किल 150 रुपए की कमाई कर पाते हैं। इतने कम पैसे में खुद का भी गुजारा करना मुश्किल होता है, लेकिन हारे काला ने इन्हीं पैसों को बचाना शुरू किया और फिर इन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण किया। गरीबी के कारण हारे काला पढ़ाई नहीं कर सके थे, इसीलिए हारे काला नहीं चाहते थे कि आज भी किसी बच्चे को गरीबी के कारण पढ़ाई से दूर रहना पड़े, जिसके बाद ही उन्होंने इस स्कूल को खोलने का फैसला किया। जिंदगी भर की कमाई से गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलकर देश की तरक्की में अपना योगदान देने वाले हारे काला को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। नंबर 4। सरस्वती नाम की इस भैंस ने एक बार में सबसे ज्यादा दूध देने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। सरस्वती ने पीडीएस
एफ इंटरनेशनल डेयरी एंड एग्री एक्सपो 2019 में एक बार में 32.66 लीटर दूध देकर ये रिकॉर्ड बनाया। सरस्वती से पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के एक भैंस के नाम पर था, जिसने एक बार में 32.50 लीटर दूध दिया। इस भैंस के मालिक का नाम सुखवीर सिंह है, जिन्होंने 3 साल पहले इस भैंस को कुरुक्षेत्र के एक किसान से 1.73 लाख रुपीज में खरीदा था। सुखबीर के अनुसार सरस्वती अब तक 13 अवार्ड जीत चुकी है। सरस्वती महाराष्ट्र में आयोजित ब्यूटी पेगमेंट की विजेता भी रह चुकी है। तमिलनाडु के एक शख्स ने 51 लाख रुपए में सरस्वती को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन सुखबीर ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। नंबर 3, हमारे देश में डॉक्टर से लेकर ड्राइवर तक जब भी कोई हड़ताल करता है तो वो अपना काम ही रोक देता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब बस ड्राइवर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं, तब वो बसों को चलाना बंद नहीं करते, बल्कि ये लोग अपना विरोध जताने के लिए यात्रियों से किराया लेना ही बंद कर देते हैं। इस तरह की हड़ताल से उनका मकसद भी पूरा हो जाता है और आम लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होती। अगर अपने देश में इस तरह का हड़ताल शुरू किया जाए तो पता चला कि हमारे देश के लोग बिना जरूरत के भी यात्रा करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, दोस्तों आपने बहुत सारे खूबसूरत बिल्डिंग्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने हाई हील वाले जूते के आकार में बना बिल्डिंग देखा है? जूते के आकार में बने इस बिल्डिंग का निर्माण ताइवान में किया गया। ग्लास और स्टील से बने इस बिल्डिंग की ऊंचाई 55 फीट है और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं बल्कि एक चर्च है, जिसे ग्लास चर्च नाम दिया गया। दिखने में तो ये बिल्डिंग काफी शानदार लग रही है, लेकिन एक धार्मिक स्थल का जूते के आकार वाले बिल्डिंग में होना शोभा नहीं देता। वैसे क्रिश्चियन लोगों की अपनी मान्यता होगी। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने एक ऐसा पेड़ देखा है जिसके ऊपर इंद्रधनुष की तरह ही कई तरह के रंग मौजूद होते हैं? रेनबो की तरह दिखने वाले इस पेड़ का नाम रेनबो एक्वालिप्टस है। मूल रूप से ये पेड़ फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में पाया जाता है। एक खास मौसम में इस पेड़ की ऊपरी छाल निकल आती है। ऊपरी छाल निकलने के बाद पेड़ के तने ग्रीन कलर में नजर आते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ये ग्रीन कलर ब्लू, पर्पल, ऑरेंज और फिर रेड कलर में बदल जाता है। पेड़ के अलग अलग हिस्सों में कलर बदलने की स्पीड अलग होती है। इस कारण पेड़ पर एक ही समय में ये सभी मौजूद होते हैं, जो कि इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।